उल्लास को भी देखा साथ साथ इस संयम और समझदारी को भी देखा बाद में फिर नागरिकता अधिनियम संशोधन कानून वो संसद में संसद की पूरी प्रक्रिया के बाद पास हुआ अपने पड़ोसी देशों में दो तीन देश ऐसे हैं जहां पर सांप्रदायिक कारणों से उस देश के निवासियों को प्रताड़ित किया जाने का इतिहास है और उन लोगों को जाने के लिए दूसरी जगह नहीं वो भारत में आते हैं तो वहां से विस्थापित पीड़ित होकर आते हैं यहां पर वो जल्दी बस जाए ठीक से बस जाए इसलिए उस अधिनियम में कुछ संशोधन करने का वो प्रावधान था जो भारत के नागरिक है उनके लिए उसमें कुछ खतरा नहीं था बाहर से जो आते हैं भारत में और नागरिक बनने की इच्छा उनकी है तो उसके लिए भी कानून में पहले से प्रावधान है ऐसे लोग भी बन सकते हैं, वो पूरी प्रक्रिया करने के बाद वो प्रक्रिया वैसी की वैसी है उसमें कोई बदल नहीं है परंतु अब कानून का विरोध भी करने वाले लोग थे राजनीति में तो चलता ही है उन्होंने ऐसा वातावरण बनाया कि इस देश की मुसलमानों की संख्या न बढ़े इसलिए नियम लाया गया तो उसके चलते और उसका अच्छा विरोध शुरू हो गया प्रदर्शन आदि होने लगे देश के वातावरण में तनाव आ गया उसका क्या उपाय करना इसका सोच विचार पूरा हो कुछ कृति हो इसके पहले वो सारा और दब गया कोरोना आने के कारण मनो में जो सांप्रदायिक आच थी वो मन के मन में रहेगी उसका उपाय होने के पहले ही कोरोना की परिस्थिति आ गई ऐसा यानी होती इन विषयों की चर्चा जितनी और उस पर प्रतिक्रियाएं, उतनी नहीं हुई सर्वसामान्य व्यक्ति के और माध्यमों की चर्चा में भी और कोरोना ही छाया रहा ऐसा सारी दुनिया में ऐसा ही दिखता है बहुत सारी घटनाएं होती रही है आज तक होती रही है लेकिन अधिक चर्चा और ये कोरोना की ही रही है एक बात हम कह सकते हैं कि सारी परिस्थिति में प्रत्यक्ष कोरोना बीमारी से होने वाला नुकसान भारत में कम है इसके कारण है कोरोना की ये जो बीमारी है वो कैसे फैलेगी क्या फैलेगी इसका अनुमान पहले ही करके हमारे शासन प्रशासन ने बड़े सावधानी से जनता को सचेत किया सावधानी के लिए नियम लगाए सावधानी के लिए उपाय भी बताए और केवल बताया नहीं उन उपायों का निर्वाहन हो अमल हो इसकी बहुत तत्परता से योजना की माध्यमों में माध्यमों की भी सहायता इसमें हुई उन्होंने जो बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया इस सारे परिस्थिति का तो जनता में एक जरूरत से ज्यादा भय भी आ गया लेकिन उसका लाभ भी यह हुआ कि इन सब नियमों का पालन करने में जनता अतिरिक्त सावधान रही ये सारे देश पर संकट है सारी दुनिया पर संकट है इसको ध्यान में लेकर सब लोग इसके प्रतिकार में लग गए सभी चिकित्सा पद्धतियों के चिकित्सक शुश्रूषा करने वाले नर्सिंग वगैरह करने वाले सारे कर्मचारी सफाई कर्मचारी सुरक्षा करने वाले कर्मचारी उच्चतम कर्तव्य बोध के साथ रुग्णों की सेवा में जुट गए रात दिन परिश्रम करते रहे स्वयं को कोरोना वायरस की बाधा होने का खतरा उठाकर करते रहे अपने घर वालों से महीने महीने दूर रहकर उन्होंने काम किया नागरिकों ने भी अपने समाज के बंधुओं की सेवा के लिए जो करना था स्वयं स्फूर्ति के साथ कोई बहुत बड़ा आह्वान वगैरह किसी को नहीं करना पड़ा सावधानी के तो आवाहन हुए उसका पालन भी किया लोगों ने लेकिन सेवा करने के लिए आवाहन नहीं हुआ जिनको करना था वो लग गए और जिनको करना था वो लग गए यानी लगभग सारा समाज अपनी तो चिंता की ही लेकिन दूसरों की भी चिंता करने में जुट गया यानी जो पीड़ित लोग थे उन्होंने अपनी पीड़ा को भूलकर दूसरों की सेवा की इसके भी कई उदाहरण पहली बार सामने आ गए सहायता लेके जाओ तो उस घर के लोग कहते हैं कि हम और सात दिन चला ले सकते हैं हमारे पास वालों के पास अभी कुछ नहीं हो उनको पहले देखिए पूजनीय साहब के भाषण में एक बार बात आई थी सार्वजनिक भाषण में नीड इज ग्रेटर ऐसी एक कहानी वो दाई नीड इज ग्रेटर का उदाहरण हमको इस बार स्वतंत्रता के बाद पहली बार देखने को मिला पूरे समाज के आचरण गड़बड़िया करने वाले लोग नहीं थे ऐसा नहीं लोगों की कठिनाइयों का फायदा उठाने वाले स्वार्थ साधक लोग नहीं थे ऐसा नहीं उसके कारण कठिनाई नुकसान यह भी हुआ लेकिन बड़ा चित्र तो शासन प्रशासन जनता इनका परस्पर विश्वास परस्पर सहयोग स्वयं स्फूर्ति से मन में सेवा भाव लेकर जो बनता है समाज के लिए वो करना मातृशक्ति भी लग गई बिना कहे भोजन पकाकर और पहुंचाने लगी मास्क बनाकर और मुफ्त में बांटने लगी ऐसे कई उदाहरण मिलते हैं हम देखते हैं कि स्वतंत्रता के बाद शायद इस प्रकार का अनुभव विशेषकर अपनी नई पीढ़ी ने यह पहली बार लिया होगा अपने समाज की एक रसता का सहज करुणा का शील प्रवृत्ति का संकट में परस्पर सहयोग का इनको सबको सोशल कैपिटल ऐसा अंग्रेजी में कहते लेकिन हमारे देश में यह हमारा सहज और सांस्कृतिक धन है हमारे परंपरागत कुछ रिवाज है जीने का तरीका है हमारी परंपरागत चिकित्सा पद्धतियां आयुर्वेद जैसी कुछ आदतें डाली है घरों के संस्कारों में हर बार हम बाहर से आते पैर धोकर अंदर जाते हाथ धोकर किसी वस्तु को हाथ लगाते ऐसी छोटी छोटी आदतें यह सारा हमारा सांस्कृतिक संचित तो जो है उपकारक वो हमारे परिचय में फिर से एक बार आ गया हम भूल रहे थे इसको और वो सब सहजशील है हमारा करुणा के स्वभाव का सेवा के स्वभाव का वो बड़ा वेग से सारे समाज के हृदय से प्रकट हुआ और सारा समाज एक होकर सक्रिय हुआ